चांद जो देखा जाता है ईद का, तो इसी पर जाके देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, हमारा वीडियोस देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको हमसे और कुछ चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए हमें सजेस्ट कीजिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाते जाइए, बेल आइकन का बटन दबाते जाइए, हमारे वीडियो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। ये सरकंडा जो है, इसको मतलब बादशाह बनवा रहे थे चांद देखने के लिए। जो चांद निकलते हैं 12 महीने के, तो देखने के लिए बनवा रहे थे। लिहाजा ये जो था, तो उनका इंतकाल हो गया। अब यह है कि सात खंड इसके बन तो गए, मगर ये लखौरी के सब बनते, मगर बाद में बनाने वालों ने अब पूरा करने के लिए ये दे दिया है, लोहे के बना दिए। नवाब सादत अली खान ने अपने शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई थीं वो फ्रांसीसी और इटालियन हुआ करती थीं। ऐसी ही एक खूबसूरत इमारत है सतखंडा। यह बना है, ये 8-10 साल पहले ये दो खंड बढ़ाए गए हैं। एक खंड इसके नीचे है, जितना ये बना हुआ है नीचे का हिस्सा, इतना वो नीचे का हिस्सा जो है खंड, इतना ही इसी तरह यहाँ है नीचे। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो सतखंडा, इसको पूरा किया गया। हुसैनाबाद में सतखंडा पैलेस को अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1842 ईस्वी में बनवाया था। इसकी खूबी यह है कि इसकी हर मंजिल पर कोड बदल गए हैं और इनकी मेहराबों की बनावट भी बदल गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इसकी पहली मंजिल आप देखेंगे तो वो बिल्कुल चौकोर है, फिर उसके ऊपर वाली मंजिल का डिज़ाइन और आकार बिल्कुल अलग है, फिर तीसरी मंजिल का और ऐसे ही चौथी मंजिल का, और हर मंजिल की बनावट आप देखिए कितनी खूबसूरत है। सतखंडे का डिज़ाइन तो पहले के लोग बना के गए हैं, अब इसको हम क्या बताएंगे, वो तो पहले के लोग गुजर गए। तो सतखंडे के नक्शा नवीज होंगे, उन्हीं ने बनाया होगा, इसी तरह से ही बना है। इनके जो दरवाजे हैं, मेहराबे हैं, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो दूर से ही देखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं। मौलाना ईद का चांद देखने यहाँ जो शाही बादशाह के नौकर नमाज पढ़ाने के लिए सैफ अब्बास है छोटे अम्बाड़े में, वो देखते हैं या मोहम्मद अली हैदर देखते हैं। कहते हैं कि अवध के जो बादशाह थे वो चाहते थे कि इस ऊंचे महल की छत से लखनऊ की जितनी भी शाही इमारतें हैं उनको देखा जा सके। जब आप यही पूछ ले इतना बड़ा घंटाघर क्यों बना दिया गया, तो ये एक बात है, बीच में तालाब है, इसका वजन उसका वजन एक साथ आके बैठता है, भाई इसमें तालाब में पानी भरा रहता था, अब पानी है नहीं। मोहम्मद अली शाह ने बहुत सारी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि सतखंडा को बने हुए नवाब साहब नहीं देख पाए। सब नवाबीनों का बना हुआ है, लखनऊ नवाबीनों से मशहूरी है, दुनिया जानती है। यहाँ के नवाब बहुत कुछ कर गए गरीबों के लिए, पहले खाने पीने का इंतज़ाम, कोई अगर मर जाता था लावारिस, कोई बुढ़िया कोई वारिस नहीं उसका, तो बादशाह की तरफ से यहाँ से मतलब उसकी मैयत उठाई जाती थी, उनको पानी आनी दिया जाता था, घर में सौदा लाने के लिए एक नौकरनी रखी जाती थी, तो कोई भी बाहर नहीं निकलती थी उस वक्त की बेग में,
मतलब अब तो ये रिवाज हो गया, जैसे आप निकल आई तो वैसा हो, अब वो भी निकलने लगी हैं। वैसे ना भी इनकी बीवियाँ और बच्चे, उनके घर के कोई निकलता नहीं था, बाकायदा पर्दा होता था, पर्दे के अंदर जाती थी, चौपाला होता था, उस वक्त जीनत बंद उसको कहा जाता है, आपने वो देखी भी नहीं होगी। और कहा जाता है कि नवाबी दस्तूर ये था कि जिस इमारत को बनवाने वाला इंसान बीच में मर जाता था तो उस इमारत को मनहूस करार करके ज्यों की त्यों छोड़ दिया जाता था। ऐसा ही सतखंडा के साथ भी हुआ और इसी वजह से आज हम सतखंडा के सिर्फ 4 ही खंड देख पाते हैं। बादशाह का सपना ये था कि इस इमारत को, इस महल को वो 7 खंडों वाला महल बना सकें, पर बदकिस्मती से इसके 7 खंड नहीं बन पाए और 4 ही खंड बन पाए। और ये 4 खंड आज भी उसी तरह महफूज हैं जिस तरह उस टाइम हुआ करते थे। और आज ये लखनऊ की बहुत ही खूबसूरत जगह है, हेरिटेज जगह है, जहाँ पर दूर से लोग आते हैं इस सतखंडा की खूबसूरती को देखने के लिए। हमें कम से कम 70-80 साल, 60 से समझ लीजिए,